हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फर्स्ट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सबसे पहले तो जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो एक्ट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट को इस एक्ट में कहां पर डिफाइन किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट को इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। उन डेफिनेशंस को भी स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से फॉर्म होता है और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे डेफिनेशन सेक्शन से। सबसे पहले तो होता है प्रपोजल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए। एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रपोजल देगी। इस प्रपोजल को आप ऑफर भी बोल सकते हैं और ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज ए में। जब एक पार्टी द्वारा दिया गया प्रपोजल दूसरी पार्टी द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये बन जाता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस हमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज बी में। और उसके बाद जब इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज ई में। और जब ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमें दिया गया है सेक्शन 2 क्लोज एच में। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम इसे कहें तो ये है कि मैंने प्रपोजल दिया एक्स को, जब एक्स उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो बन जाएगा प्रॉमिस, और जब उस प्रॉमिस में ऐड हो जाएगा कंसीडरेशन तो वो बन जाएगा अग्रीमेंट। और अगर हमारा बनाया हुआ अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आई होप अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 क्लोज ए से, यानी कि डेफिनेशन क्लोज से। सबसे पहले डेफिनेशन है प्रपोजल की। प्रपोजल को हम ऑफर भी कहते हैं। जो ये टर्म ऑफर है ये यूज की जाती है इंग्लिश लॉ में, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो टर्म यूज की जाती है वो है प्रपोजल। अब यहाँ प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है, यहाँ ये कहते हैं व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू एंड टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग। अब यहाँ इस एक एक वर्ड का क्या मतलब है उसे समझते हैं। सबसे पहले है कि जब प्रपोजल का क्या मतलब है कि जब एक पर्सन सिग्निफाई करे, यानी कम्युनिकेट करे किसी दूसरे को, क्या कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी विलिंगनेस यानी कि उसकी इंटेंशन, किस चीज़ की इंटेंशन, टू डू कुछ करने की, या फिर टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या फिर कुछ ना करने की। ये जो वो अपनी इंटेंशन एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर रहा है, किस लिए कर रहा है, टू ऑब्टेनिंग द असेंट, किसकी असेंट, जिसको वो कम्युनिकेट कर रहा है। अब इसे देखते हैं बेयर एक्ट से और फिर इसे सेट करेंगे एग्जाम्पल में। सेक्शन 2 क्लोज ए, यहां ये कहते हैं व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस ही इज सेड टू मेक प्रपोजल। क्या है, एक पर्सन ने अपनी इंटेंशन किसी दूसरे को सिग्निफाई यानी कॉम्युनिकेट करी। जो इंटेंशन उसने कम्युनिकेट करी वो किस चीज़ की थी, या तो किसी काम को करने की थी या फिर किसी काम को ना करने की थी, और ये जो कम्युनिकेशन की गई वो जिसको की गई उसकी उस बात पर असेंट लेने के लिए किया गया, उसकी उस बात पर हामी लेने के लिए किया गया, तो इसे हम कहेंगे प्रपोजल। और साथ ही ध्यान रहे कि ये जो ऑफर या फिर प्रपोजल है ये कम्युनिकेट होना चाहिए जिसे किया जा रहा है, यानी जो ऑफरी है जिसे ऑफर दिया गया है उसको ये कम्युनिकेट होना चाहिए। और ये बात हमारे इस इंटरप्रिटेशन क्लोज में किस वर्ड से पता चलता है, ये पता चलता है सिग्निफाइज से। सिग्निफाइज का मतलब है कि एक पर्सन की जो इंटेंशन है, अब इंटेंशन कहाँ से पता चली, विलिंगनेस से, कि एक पर्सन की जो इंटेंशन है वो किसी दूसरे पर्सन को, जिसको वो
जिसको वो बताना चाहता है उसको वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो जो ऑफर है वो ज़रूरी है कि वो कम्युनिकेट हो ऑफरी को। उसके साथ ही अगर कोई बात बिना किसी इंटेंशन के की गई है तो वो प्रपोज़ल नहीं मानी जाएगी। इतना समझिए, अभी सभी को हम सेट करेंगे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए मैंने कोई घर बनवाना है, जब घर बनवाना है तो मुझे किसी बिल्डर से बात करनी होगी, बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। अब मैंने बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मेरा घर बना कर दो और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। क्या था कि मैंने अपनी इंटेंशन सिग्निफाई करी बिल्डर को, किस लिए करी, टू डू, कुछ काम करने के लिए, यानी किसी पॉजिटिव एक्ट के लिए। उसको अपनी जो मेरा प्रपोजल है वो उसको कम्युनिकेट किया है, किस लिए किया है, ताकि मैं उसकी असेंट ऑब्टेन कर सकूं कि वो हाँ करता है या नहीं करता, यानी वो मेरा घर बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता। अगर वो मेरा घर बनाना चाहता है और उस पर वो हाँ करता है यानी एक्सेप्ट करता है मेरे ऑफर को, तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि सेम एग्जांपल कि मैंने किसी बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट की, कि मैंने किसी बिल्डर को अपना ऑफर कम्युनिकेट किया कि क्या तुम मेरा घर बनाओगे 10 लाख रुपए में, साथ ही मैंने एक कंडीशन लगा दी कि जब तक मेरा घर कंप्लीट नहीं होगा तुम किसी और का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लोगे। क्या किया मैंने, उसके ऊपर रोक लगा दी, और इस पे भी रोक लगाने के लिए भी मुझे उसकी असेंट चाहिए होगी कि क्या वो मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, यानी कि क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जब तक मेरा घर नहीं बनेगा वो किसी और का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा। और जब ये एग्जाम्पल समझ में आया तो ये बात दोनों क्लियर हो गई हैं कि जो मेरी बात है वो उस बिल्डर को कम्युनिकेट होनी चाहिए। अब दूसरी स्टेटमेंट आती है कि अगर बिना इंटेंशन के कोई बात की गई है तो वो प्रपोजल नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मानिए मैं चाहती हूँ अपनी गाड़ी बेचना, आई विश टू सेल माई कार। तो यहाँ मैं चाहती हूँ, यहाँ मेरी अभी कोई इंटेंशन नहीं है, मैंने किसी को कोई कम्युनिकेट नहीं किया, या अगर मैंने कम्युनिकेट तो किया पर वहाँ पे मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, तो ये प्रपोजल नहीं माना जाएगा। आई होप जितना अब तक हमने डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया होगा। अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसे रिवाइज करते हैं। प्रपोजल में क्या है, एक पर्सन सिग्निफाई करेगा यानी कम्युनिकेट करेगा अपनी विलिंगनेस को, अपनी इंटेंशन को किसी दूसरे को, किस बात के लिए कम्युनिकेट करेगा, किसी काम को करने के लिए यानी पॉजिटिव एक्ट के लिए, या फिर किसी को एब्स्ट्रेन करने के लिए यानी किसी नेगेटिव एक्ट के लिए। जब कम्युनिकेट कर रहा है तो सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है, ये कम्युनिकेशन इसलिए की जा रही है ताकि जिसको कम्युनिकेट किया गया यानी ऑफरी की असेंट लेने के लिए, अगर ऑफरी की असेंट लेने के लिए इस तरह की किसी भी वर्ड्स को कम्युनिकेट किया जाता है ऑफरी को, तो ये कहा जाएगा प्रपोजल। ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन हो, और बिना इंटेंशन के कोई भी स्टेटमेंट दी गई है तो वो प्रपोजल नहीं है। उसके साथ ही जब हम सेक्शन 2 क्लोज ए यानी प्रपोजल पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में रखना है सेक्शन 3 और सेक्शन 4, या फिर हम कहें तो 2A को हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के साथ। सेक्शन 3 डील करता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। उसके साथ ही सेक्शन 4 डील करता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, जो इसमें कम्युनिकेशन की बात की गई है वो कि कब कंप्लीट होगी, ये डील करता है सेक्शन 4। पर इस टाइम हम सेक्शन 3 और 4 को डील नहीं करेंगे, सेक्शन 3 और 4 को डील करेंगे हम सेक्शन 2 को कंप्लीट करने के बाद। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।